हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज एक और पिकअप आइल रीडिंग करेंगे और आज जानेंगे कि हमारे गाइड्स के हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो आज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें पता चलने वाला है और इसके लिए तीन पाइल्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। जो फर्स्ट है, आप ये क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पाइल है ब्लू लैपिस लजुली क्रिस्टल और सेकंड है रेड जैस्पर, थर्ड पाइल है येलो सिट्रीन। तो अपनी इंट्यूशन से थोड़ा वक्त लें और चूज़ कर लें जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही हो, और अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं, आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके सामने आएगी आपके लिए मैसेजेस लेकर आ सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन से, लैपिस लजुली जिन्होंने सिलेक्ट किया है। सो वेलकम पाइल नंबर वन जिन्होंने लैपिस लजुली क्रिस्टल चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आज आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं और वो है, व्हाट आर यू गिविंग। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज आप कभी भी, ये हमें समझने की बात है फ्रेंड्स, कि हम कभी भी वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम खुद पूरी तरह नरिश नहीं हैं, हम खुद उस वॉर्म्थ, उस लव को फील नहीं करते, तो हम ये कभी नहीं दे सकते। तो ये जो वूम का कार्ड है, ये एक तरह से आपको कुछ अचीव करने के लिए नहीं बोल रहा है ज़िंदगी में, सिर्फ रिसीव करने के लिए बोल रहा है। एक माँ से हमें सिर्फ रिसीव करना होता है, हमें कुछ अचीव नहीं करना होता, हमें कुछ प्रूव नहीं करना होता अपनी माँ को, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जैसे बस अपने आप के साथ, जैसे खुद के साथ कनेक्ट होकर हील होना है और बियॉन्ड एनीथिंग आप ग्रो कर सकते हो जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो, जब आप रिसीव करने को बिल्कुल तैयार होते हो। ये जो सारी ब्लेसिंग्स हम रिसीव करते हैं, ये हमारे अंदर एक अलग तरह की ताकत, एक अलग तरह का प्यार जगाती है जो फिर हमारे से ओवरफ्लो करता है और हम दूसरों को दे पाते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट कर पाते हैं, दूसरों को हम वो नरिशमेंट, वो केयर, वो लव हम दे पाते हैं विदाउट लूजिंग एनीथिंग। क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और हम कंटिन्यूसली उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ड्रेन आउट हो जाएंगे, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ओवर गिविंग जब हम बन जाते हैं। और यूजुअली जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत हद तक ओवर गिविंग में आ जाती है और इसलिए वो वुंडेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अचीव नहीं करना है, सिर्फ रिसीव करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके गाइड्स का है कि ओवर गिविंग मत बनिए, सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करिए। खुद के जैसे सेक्रल चक्रा से जो एनर्जी ऊपर को उठती है फ्रेंड्स, वो हमारे थ्रोट चक्रा से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को अपने जैसे अपने सेक्रल एनर्जीज को आपको हील करना है और तब आप देने के लिए दुनिया को पूरी तरह से तैयार होते हैं, तब आप जेन्युइन अप्रिसिएशन की एनर्जी में होते हैं, जेन्युइनली सबको थैंक्स बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड में होते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है उसके बाद वो आपको आप उसके लिए बहुत थैंकफुल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको और वो आपके लिए एक बोनस होता है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन हर अच्छी चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होती चली जाती है, बिकॉज आप उसी वाइब्रेशन में, लव की वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप ग्रेटफुल रहें। आप एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना सकते हैं, रोज़ रात को सोने के पहले आप अपने ग्रैटिट्यूड डायरी में लिखें, एक जर्नल बनाएं
और उसमें आप लिखें आप किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, और रिसीव करने को तैयार हो जाएं, अपने आप को ओपन करें। सेक्रल चक्रा जब ओपन होता है फ्रेंड्स, तब हम रिसीव करने को तैयार होते हैं, और जब सेक्रल चक्रा बैलेंस में होता है तभी हमारा थ्रोट चक्रा बैलेंस में होता है, क्योंकि हम एक्सप्रेस भी अच्छी तरह कर पाते हैं। और एक्सप्रेशन, मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ आपका बोलने पे नहीं है, आप बहुत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं खुद को, तो और दूसरों को अप्रिशिएट करना भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप देखेंगे कि अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, अगर आप खुद ही हील्ड नहीं हैं, खुद के साथ ही कनेक्टेड नहीं है, यू नो, अपनी माँ के साथ जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पे मदर की एनर्जी, वूम की एनर्जी के साथ, मदर फेमिनिन एनर्जी, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ना है, अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना है, ताकि वो किसी भी लैक में ना रहे, वो अपनी माँ से जुड़ी रहे। देखिए, हर माँ की भी एक माँ है, तो अपनी मदर से, अपनी रूट से जुड़े रहना है, तभी हम उस फुलफिलमेंट को फील कर सकते हैं, तभी हम भरपूर फील कर सकते हैं अपने आप को, यू नो, दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और तभी हम इजीली दूसरों को दे पाते हैं। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज में आपको रहने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है, आप इसी एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा आप ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, जो आपको अपने सेक्रल चक्रा पर, अपने मदर एनर्जी पर, या अपने जैसे रूट्स पर वर्क करने के लिए प्रेरित कर रही होगी, ताकि आप दुनिया को बहुत एक अलग नज़रिए से एक्सपीरियंस करें और हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाएं, ना कि आप वो जो वुंडेड एनर्जी में रहें और हर चीज़ से हर्ट होते चले जाएं। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए। तो आप जो हैं बहुत बहुत डिवाइन सोल हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अपने ज़रिए दूसरों को देना है, तो आपको एक्सप्रेस करना है, तो खुल कर एक्सप्रेस करने के लिए पहले खुद को नरिश करें, खुद को वो केयर, वो प्यार खुद को पहुंचाएं, और अपने सेक्रल चक्रा को हील करें। वाओ, तो आप इसके लिए मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप सेक्रल चक्रा को हील करना चाहते हैं, कोई भी चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं, या अपने आप को भरपूर फील करना चाहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की गाइडेंस, और हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रेड जैस्पर क्रिस्टल चूज किया है फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स देखिए, अमेजिंग। किंग जैगुआर, ये दोनों आपको यही बता रहे हैं कि आपको जो इमेंस स्ट्रेंथ दी गई है, यू नो यू आर इंटरनली वेरी स्ट्रांग। आप शायद अपने आप को, अगर आप ये सोच रहे थे कि आप विक्टिम हैं, तो आपको ये कार्ड रिमाइंड कराने आया है कि आप बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, और उस स्ट्रेंथ को आपको फील करना है। अगर अभी भी आपको एम्प्टीनेस लग रही है अपनी ज़िंदगी में, अभी भी कोई कमी नज़र आ रही है कहीं पर, तो आप ये समझिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ पाना है जिसकी वजह से ये खालीपन आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही है कि अभी आपके जो सप्रेस्ड टैलेंट्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो प्यार आपके अंदर सप्रेस्ड है, उसको आपने एक्सप्रेस करना है। जब आप खुलकर उसे एक्सप्रेस करेंगे, तो आप इस फुलफिलमेंट को बहुत अच्छे से महसूस करेंगे फ्रेंड्स। अगर हम लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत झुंझलाहट होती है, तो वो इस वजह से नहीं होती कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, बल्कि हमने खुद ही अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया होता है, उसे फ्रीली फ्लो नहीं करने देते, और उस वजह से हम जो हैं स्टेबल फील नहीं करते, रूटेड फील नहीं करते। और पाइल नंबर 2 आपके लिए जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी पावर को वापस लें, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस दुनिया में आने के पहले, आपको उसे भूलना नहीं है, आपको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है, आपको डिवाइन लीडरशिप में आना है, ठीक है, जो
एक राजा, यहाँ पे किंग का कार्ड हमें ये रिमाइंड कर रहा है फ्रेंड्स कि बहुत लोग ये समझते हैं कि राजा का मतलब होता है वेरी बिग यू नो एक्सप्रेशन ऑफ ईगो, बट नहीं, जो सही मायने में किंग होता है वो एक सर्वेंट होता है जो ईगो को छोड़कर अपनी प्रजा के लिए काम करता है। तो एक तरह से इस तरह का लीडर बनना है आपको, आपको सर्विस में रहना है, आपको यू नो नोबल बनना है। आप सिर्फ अपने सुख के लिए या अपने फुलफिलमेंट के लिए सिर्फ काम ना करें। आप यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो खालीपन है वो इसलिए है क्योंकि एक्सप्रेशन कम है, यहाँ पर खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और अगर स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर रहे हैं तो उसे कीजिए, क्योंकि वही आपका पर्पस है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए और इस खालीपन को दूर करने के लिए आपको सर्विस में रहना है। तो जो भी आपको पावर दी गई है, जो भी आपको विजडम दी गई है इस जर्नी में फ्रेंड्स, जो भी आपको याद दिलाया गया है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ रूबरू कराया गया है, तो वो ऐसे ही नहीं कराया गया सिर्फ आपको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए भी कराया गया है। तो वो तो आपकी ज़िंदगी तो बनेगी ही। एक राजा जब एक थ्रोन पर बैठता है, एक लीडरशिप रोल में आता है, तो वो तो शक्तिशाली बनता ही है, साथ में वो और लीडर्स भी बनाता है। तो एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने साथ और लीडर्स को भी तैयार करता है। तो खुलकर एक्सप्रेस करिए अपने आप को, एक्सप्लॉइट मत करिए। देखिए, एक्सप्रेस करना और एक्सप्लॉइट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यू हैव टू एक्सप्रेस फ्रीली, यू हैव टू यू नो बी इन सर्विस, सर्व अदर्स नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड पावर। तो जब आप अपने पावर में और स्ट्रेंथ में रहते हुए जब दूसरों को सर्व करते हैं, तो आप उस सच्ची फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्व करते हैं और आप खुद को उस पावर में, उस ग्रेस में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो ये आप एक्सप्लॉयटेशन के मोड में चले जाते हैं फ्रेंड्स। फिर आपको ऐसे लगने लगेगा धीरे धीरे कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, लोग आपको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद के अंदर उस शक्ति को जगाइए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें कि आप अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करें, और उस शक्ति को महसूस इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप सर्विस में रहें, ताकि आप अपनी ईगो सेल्फ को छोड़कर उन सब की मदद कर पाएं जिनको आपकी ज़रूरत है। और आप वो तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अदरवाइज आप विक्टिम मोड में चले जाएंगे। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे ये पूछते भी हैं कि हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो दूसरों की हेल्प आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से ही कर पाते हैं। जब तक आप अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांगली फील ना करें, तब तक आप दूसरों की हेल्प इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप वो सही लोगों को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और जब आप करते भी हैं तो आपको ऐसे लगता है कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को जगाना है, और सिर्फ अपनी यू नो खुशी के लिए नहीं, या सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं, बल्कि सर्विस के लिए, ईगोलेस सर्विस के लिए। वाह, ब्यूटीफुल मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है लाइफ में, ठीक है, आपको सब कुछ दिया जाएगा लाइफ में, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज ये दिया जा रहा है कि आपको ये सिंहासन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जो आपको सर्विस के लिए यूज़ करना है, ना कि अपने पर्सनल गेन के लिए। वाओ, सो लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 2। हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं, कि जैसे सिट्रीन जो है हमारे सोलार प्लेक्सस को डिनोट करता है फ्रेंड्स, ठीक है, और हमारे जो कंप्लीट एनर्जी है उसका सेंटर पॉइंट भी हमारा सोलार प्लेक्सस है, हमारा नाभि चक्र। तो एक तरह से आप अपने आप को यू नो फोकस रखें, जो भी आप कर रहे हैं
ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रहना है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ होपलेसनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये इसलिए है क्योंकि आप अपने जो मूल से बहुत दूर जा चुके हैं, अपने अपने आप से आप काफ़ी हट चुके हैं, भटक चुके हैं खुद से। तो आपको वापस आना है, अपने आप पर वापस आना है, खुद के अंदर वापस आना है। यानी आप जैसे जितना आप खुद से दोबारा से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स, जितना आप अपने आप से दूर जाएंगे उतना डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाएगा। जितना आप खुद के साथ जुड़ते जाएंगे और जितना अपने आप को सेंटर्ड फील करेंगे उतना आपकी लाइफ जो है फुलफिलिंग होती चली जाएगी। कई बार ऐसे होता है फ्रेंड्स कि हम कुछ चीज़ें अपने आप को, चाहे वो सच्ची हैं या नहीं हैं, बट हम अपने आप को बार बार वही बोलते रहते हैं। और जब हम अपने आप को बार बार वही बोलते रहते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं, तो हमारे लिए वही सच बन जाता है। तो किसी भी सिचुएशन को, इंसान को अपनी लाइफ में जज ना करें, उसे एज इट इज़ देखें। वो जैसा है, वो परिस्थिति जैसी है, आप उसको वैसे ही एक्सपीरियंस करें विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये दिया जा रहा है कि कम बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट, कम बैक टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और जो सच है उसी को जिए, अपने आप से दूर ना जाएं, इस सच से दूर ना जाएं। आप लोग सीकर्स हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप लोग सीकर्स हैं। आप कुछ तो कुछ ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में, आपका कोई सोल पर्पस है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो ये हंटर का कार्ड है, ये आपको यही याद दिला रहा है कि आप अपने पर्पस पर फोकस रहें प्लीज़। ठीक है, जहाँ पर आप जो आप पाना चाहते हैं आप उस पर ध्यान दें कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को आप ढूंढ रहे हैं, आप क्यों ढूंढ रहे हैं, और जिन चीज़ों को आप पकड़ कर रखे हैं क्या वो वर्थ है, क्या वो ज़रूरी है आपके लिए पकड़ कर रखना। जब आप खुद से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका फोकस यहाँ वहाँ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, आपका फोकस खुद पर रहेगा। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से पूछेंगे, तो अपने आप से पूछते जाइए, अपने आप को और ज़्यादा टटोलिए, अपने आप में और ज़्यादा रहिए। तो यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स आपको जो इम्पोर्टेंट मैसेज आज आपके गाइड्स बता रहे हैं कि चूज़ करिए, राइट चॉइसेस करिए अपनी ज़िंदगी में, ट्रूथ का साथ दीजिए। जैसे डेस्पिरेशन से या बहुत मजबूर होकर कोई डायरेक्शन को आपको चूज़ नहीं करना है। ये तभी होता है आपकी ज़िंदगी में जब आप भटक जाते हैं, जब आप अपने आप से दूर चले जाते हैं, जब आप खुद को छोड़ देते हैं अकेला, तब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तब आप दुख और दर्द को फील करते हैं। तो अपने आप के साथ अपनी तरफ वापस मुड़िए और अपने आप को सेंटर कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ के साथ खुद को अलाइन कीजिए। यही आपको सच्ची फुलफिलमेंट देगा। तो वाव फ्रेंड्स, जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज़ किया है, आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये क्रो स्पिरिट भी यहाँ पे याद दिला रहा है कि आपको सच के साथ रहना है। आपको वही प्रैक्टिस भी करना है और वही प्रीच भी करना है, और वॉक द टॉक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे हैं, आप एक्चुअल अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, जो आप सच्चाई को पकड़ कर बैठे हैं उसी को पकड़ कर रखिए। और जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें भटकना नहीं है, क्योंकि जब आप अपने कोर से दूर जाएंगे तब आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो अपने कोर में रहिए, अपने फोकस्ड रहिए, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी से, जो आपकी सर्च है ज़िंदगी की, उस पर आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे तो आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली। वाओ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, ओपन रहिए ऑप्शंस के लिए, लेकिन बहुत फोकस्ड रहिए एंड मेक वेरी वाइज चॉइसेस इन लाइफ। द
तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए. मोर मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया.